बाढ़ आते ही मिजोरम में एक बार फिर तेल संकट पैदा हो गया। असम के 20 से ज्यादा जिले बाढ़ से जूझ रहे हैं, जिसकी वजह से मिजोरम को वहां से होने वाली तेल सप्लाई पर ब्रेक लग चुका है और मिजोरम में तेल के लिए हाहाकार मच गया। यानी बाढ़ ने असम और मेघालय से मिजोरम जाने वाले तेल को रास्ते में ही रोक दिया, जिसके बाद मिजोरम में गाड़ियों के पहिए रुक गए। मिजोरम भारत का इकलौता ऐसा राज्य है जहां तेल का एक भी डिपो नहीं है, यानी वहां तेल का भंडारण करने के लिए कोई जगह नहीं है। रही बात पेट्रोल पंपों की, तो उनके पास भी केवल 5 दिनों तक चलने वाले ईंधन का स्टॉक ही रहता है और इसी वजह से मिजोरम में बार बार तेल संकट पैदा होता है। बाढ़ जैसे हालात बनने पर तो मिजोरम के लोगों के हाथ पांव फूलने लगते हैं, क्योंकि इसकी वजह से दूसरे राज्यों से होने वाली तेल की सप्लाई रुक जाती है। वहां की सरकार ने इस दिक्कत को खत्म करने की कोशिश भी शुरू कर दी है, जिसके बाद उम्मीद जगी कि मिजोरम के पास अगले 3 महीनों में अपना एक तेल डिपो होगा। लेकिन उससे पहले ही असम में बाढ़ आ गई, वहां के शहर पानी में डूब गए और मिजोरम और असम का बॉर्डर ब्लॉक हो गया और तेल के लिए फिर मारामारी मच गई। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि लोगों की मुसीबत तेल को ब्लैक करने की वजह से और बढ़ चुकी है, क्योंकि पेट्रोल पंप पर कूपन के नाम पर तेल ज्यादा कीमत पर बेचा जा रहा है और जिन लोगों को तेल की जरूरत है वो लाइन में खड़े रह जाते हैं।